आज मैं आपको सूट से सूट बनाना सिखा रही हूँ बिना इंची टेप के। इसमें आपको ना तो शोल्डर का ध्यान रखना पड़ेगा और ना आपको लूजिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जिस सूट से आप बना रहे हैं उसकी फिटिंग अच्छी हो और आपको पहनने में अच्छा कंफर्टेबल हो, फिर आप बहुत आसानी से किसी भी साइज का बना सकते हैं। तो बस आप वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए, फिर आप बहुत आसानी से इसको बना लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपको सूट लेना है, जिस सूट से आप बनाना चाहते हैं उसमें अच्छे से प्रेस करके रख लीजिए कि कपड़ा आपका कहीं से भी मुड़ा ना हो, और एक सूट का पीस ले लीजिए जिस पर आपको बनाना है। अब इस सूट के कपड़े को उल्टा कर लीजिए। अभी मैंने इसको अर्ज की साइड से एक बार पलट दिया है, उसके बाद अब इसको एक बार और फोल्ड करना है। अब ये चार लेयर में आपका हो जाएगा, ठीक है। चार लेयर में आपको कपड़े को रखना है और फिर आपको सूट उठाना है। अब आपको अपना सूट उठाना है और उसको सीधे में फैलाकर रखना है। इस तरह आप फैला के रखिए और गले के बीच सेंटर से इसको पकड़िए और डबल कर दीजिए। तो इस तरह आपको कपड़े के ऊपर इसको रखना है। तो ये डबल में रखा हुआ है, अच्छे से मिलाइए और अच्छे से इसको रख दीजिए। इस तरह मिलाने के बाद अब आप एक स्केल उठा लीजिए। ये स्केल ले लीजिए, यहाँ पे मार्जिन छोड़ दीजिए। स्केल के बराबर ही आप यहाँ पे मार्जिन छोड़ दीजिए। तो ये आपका मार्जिन हो जाएगा जो इस सिलाई में फोल्ड हुआ है। बस इसमें आपको मार्जिन का ध्यान रखते जाना है। ये हो गया आपका नीचे का मार्जिन। अब आपको ऊपर की साइड मार्जिन लेना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल बराबर से एक निशान लगा लीजिए। ये हो गई आपकी सूट की फिक्स लंबाई। उसके बाद यहाँ पे सिलाई मार्जिन ले लीजिए। ये हो गया सिलाई मार्जिन। तो ये निशान लग गया है बिल्कुल फिक्स और ये हो गया आपका मार्जिन। तो जैसा आपका गला बना हुआ है आप उसी के पास से निशान लगाते जाइए, ठीक है। ये निशान लग गया है आपका सेम। उसके बाद फिर यहाँ पर आप दो पॉइंट का मार्जिन बढ़ा लीजिए जो आपका सिलाई में जाएगा। ये हो गया है गले का मार्जिन। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहां पर ये आस्तीन का जॉइंट है वहीं तक आपको शोल्डर का निशान लगाना है। तो ये हो गया अभी हमारा फिक्स। अब उसके बाद आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए, ये हो जाएगा आपका आर्म होल का निशान। तो आस्तीन की सिलाई को इस तरह पकड़िए और यहाँ पे निशान बना लीजिए और ये हो जाएगा आपका लंबाई में मार्जिन। अब जैसा ये निशान लगा हुआ है बस आप सेम वैसे ही लगाते जाइए, और जब आप कट के पास पहुंच जाएंगे तो इस तरह निशान लगा दीजिए जिससे आपको याद रहेगा कि यहां से हमारे चाप खुलेंगे, और फिर सीधा निशान लाइए और इस तरह मिला दीजिए। अब इस निशान के लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर मार्जिन बढ़ाना है। तो इस तरह मार्जिन बढ़ाते जाइए। ये हो गया आपका मार्जिन। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है आर्म होल का। तो आर्म होल के निशान लगाने के लिए आपको क्या करना है कि आस्तीन को इस तरह पलटना है और इस आस्तीन को इस तरह फोल्ड कर दीजिए, अंदर की साइड डालिए। थोड़ा सा यहाँ पे आपको संभालना पड़ेगा। अच्छे से संभालते हुए आप सिलाई के जॉइंट को पकड़ लीजिए जिससे आपका आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। बस इस तरह मिलाइए और जहां से आपकी सिलाई है उधर से ही निशान को बढ़ाते जाइए। तो इस तरह निशान को पूरा कर दिया है। उसके बाद अब आपको यहां पर सिलाई मार्जिन लेना है। ये हो गया आपका सिलाई मार्जिन। अब इसको हटा दीजिए। बस इस तरह आपको सेम निशान बनाना है और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी निशान पे आपको कटिंग करते जाना है। तो इस तरह काटने के बाद अब आपको यहाँ पे कट लगाना है जहां से चाप खुलेंगे।
अब दूसरा कट लगाना है आपको कमर के साइड और तीसरा कट लगाना है आपको इस जॉइंट की साइड। तो इस तरह आपको कट लगाना है और कट लगाने के बाद अब आपको आगे और पीछे के पार्ट को अलग कर देना है। अब हम पीछे के पार्ट को निकाल लेंगे। पीछे के पार्ट को निकालने के बाद अब आपको आगे के आर्महोल में थोड़ी सी शेडिंग करना है। तो इस तरह इसकी शेडिंग कर दीजिए और इस तरह मिला दीजिए जिससे आगे की गहराई हो जाएगी। तो इस तरह आपको आगे के आर्महोल में गहराई देना है। तो आगे के पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसमें अब आपको कुछ भी नहीं करना है और पीछे के पार्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। बस अगर आपकी गले की साइज बड़ी है पीछे की तो उसकी आपको सेटिंग करना है और आर्महोल में आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आगे के पार्ट को अलग रख देते हैं और पीछे के गले को चेक कर लेते हैं। तो अब आपको पीछे की साइड से पीछे का गला चेक करना है। तो इस तरह आप रख लीजिए। ऊपर की साइड मार्जिन को छोड़ते हुए यहाँ पे निशान लगा लीजिए। ये गला इधर से बना हुआ है तो आप दो पॉइंट ऊपर से निशान लगाइए, मतलब हल्का सा आपको ऊपर से निशान लगाना है जिससे सिलाई में कवर हो जाएगा। बस इस तरह आप मिला लीजिए। इस तरह हमारे पीछे की गले की सेटिंग हो गई है। अब हमें आस्तीन निकालना है तो इस पार्ट को भी अलग रख देते हैं। अब आपको आस्तीन निकालने के लिए बचे हुए कपड़े को फैला लेना है। अब इसमें तो काफी कपड़ा बचा हुआ है तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो प्रिंट होता है अगर नीचे की साइड प्रिंट थोड़ा अलग है तो उसी साइड से आपको आस्तीन निकालना है जिससे अलग वाला प्रिंट हमारी आस्तीनों की मोहरी में आएगा। तो इस तरह आपको डबल फोल्ड करना है और एक बार इसको फिर फोल्ड कर देना है तो ये चार लेयर में हो जाएगा। अच्छे से मिलाइए और उसको चार लेयर में रखिए। तो इस तरह आपको कपड़े को चार लेयर में रखना है। उसके बाद आपको सूट उठाकर इसके ऊपर रखना है। तो सूट को आप सीधा फैला लीजिए और आस्तीन को इस तरह उठाकर रखिए कि आस्तीन का जो जॉइंट है वो कपड़े के जॉइंट की साइड आना चाहिए। ठीक है, इस तरह मिलाते हुए आस्तीन को रख दीजिए और मोहरी की साइड इस तरह मिलाकर पकड़िए और मोहरी की साइड इस तरह मिलाकर पकड़िए। नीचे की साइड आपको मार्जिन छोड़ देना है और निशान लगा लेना है। ये हो जाएगा आपका मार्जिन। ठीक है, ये है आपका मार्जिन। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन लेना है और एक निशान लगाना है लंबाई का। तो अच्छे से मिलाइए और इसको थोड़ा सा पकड़ के रखिए। यहाँ पे निशान इस तरह लगा दीजिए। तो ये हो गई आपकी फिक्स लंबाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा कर ले लीजिए। यहाँ पे भी इस तरह पकड़ के रखिए और इस लाइन को इस तरह कंप्लीट कर दीजिए और जहां पे सिलाई का जॉइंट है उधर ही इसको रोक दीजिए और इस मार्जिन के निशान से मिला दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका मार्जिन। उसके बाद इसको हटा दीजिए और इस तरह मिला दीजिए और ये हो गया ऊपर का मार्जिन और इसकी कटिंग कर लीजिए। मार्जिन के निशान से ही आपको कटिंग करना है। उसके बाद इसको खोल लीजिए। इस तरह आस्तीन को खोल कर रखिए और एक साइड इसमें गहराई दे दीजिए और इस तरह मिला लीजिए। अब इस लाइन के आपको अंदर गहराई नहीं देना है और यहां तक आपको मिलाना है। जो सेंटर होता है बस वहीं तक इसको मिला दीजिए। तो इस तरह आपको थोड़ी सी यहाँ पे सेटिंग करना है। उसके बाद गले की हमें कुछ पट्टियां निकालना है। तो ये आस्तीन का कटा हुआ जैसा हमारा कपड़ा रखा हुआ है उसे आप वैसा ही रखिए जिससे आपको तिरछी पट्टियां आसानी से मिल जाएंगी। तो इस तरह आपको इसके लिए रखना है और तिरछा कर देना है और इस तरह पट्टियां निकाल लेना है। अब यहां से इसको खोल देंगे। तो इस तरह आपको एक साथ चार पट्टियां मिल जाएंगी और चार पट्टियों में गला कंप्लीट तैयार हो जाता है। तो इस तरह कटिंग हमारी पूरी हुई है। अब मैं आपको रख कर दिखा देती हूँ। तो इस तरह कटिंग हमारी पूरी हुई है। ये है आगे का पार्ट और ये है पीछे का पार्ट और ये है इसकी आस्तीन है और एक गले के लिए पट्टियां हैं। तो देखा कितना आसान है सूट से सूट बनाना। इस तरह आप बहुत आसानी से किसी भी साइज के लिए बना सकते हैं और आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और ये कंप्लीट आपकी फिटिंग के हिसाब से बन जाएगा।
तो जैसे ये नॉर्मल सूट है तो इसकी स्टिचिंग भी नॉर्मल है, तो आप ऊपर दिए हुए बटन पर क्लिक करके इसकी स्टिचिंग करना सीख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी ऑन रखिए, जिससे हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और अगर आपने राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और सीखना शुरू कीजिए।